मैग्नेटिक पोल्स के बीच से गिरता हुआ ये रिंग धीरे हो जाता है, मतलब ग्रेविटी से भी लड़ सकता है, लेकिन टूटा होने पर ये रिंग धीरे नहीं होता, जिसका कारण है लेंज लॉ, यानी मैग्नेटिक फील्ड करंट और करंट से पैदा होने वाली एक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में होने वाली कबड्डी। अब देखो भैया, लेंज ने बोला मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो करंट पैदा होगा, और अगर करंट पैदा हुआ तो एक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, और ये नई वाली मैग्नेटिक फील्ड है सत्यानाशी विचारों की, और ये नहा धो के पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड में आ रहे बदलाव को रोकना चाहती है। अब जरा समझो इस रिंग के पीछे कहानी। अब इस गिरते हुए रिंग ने प्रेमी जोड़े रूपी मैग्नेट के दो पोल्स की गुटर गुकर डिस्टर्ब कर दिया, जिसके रिएक्शन में इस मैग्नेट ने रिंग के अंदर करंट पैदा करके उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, और अब इस नई नवेली इलेक्ट्रोमैग्नेट में अपनी तगड़ी वाली मैग्नेट ने विपरीत दिशा में ताकत लगाकर इसके गिरने की रफ्तार को धीमा कर दिया। लेकिन अगर ये रिंग टूटा होता तो इसमें करंट का सर्किट पूरा ना होने की वजह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बन पाता और ना लगती इस पे रोकने वाली ताकत। लेंज लॉ देने वाले महान वैज्ञानिक और 10 फरवरी के बीच में क्या संबंध है।